दर्शक बहन नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। नमस्कार। आई स्वास्थ्य से संबंधित विषय में बातचीत करै जा रहल छी। विशेष क के बात करी तो कैंसर एकटा एहन रोग छै, ई रोग केकरो लगला पर एक किस्म से कहे तो मानव सब अपन हिम्मत हार जाए छै शुरुआते के समय में कि आब हम जीवे नहीं करबे, कि तेहन किस्म एकटा ओहन किस्म के मानसिकता विकास भए छै। ई बहुत दुखदायी बात छै, लेकिन वास्तव में कैंसर के इलाज छै। कैंसर बहुत किस्म के कैंसर सबके इलाज है, अगर समय में अस्पताल पहुँचाओल जाए आ निक से इलाज कैल जाए। तब आई अहि विषय में कैंसर रोग के निदान, कैंसर केहन किस्म के होय छै, अहि विषय सब में बातचीत कर जा रहल छी। आई स्टूडियो में बजौने छै कैंसर सर्जन डॉक्टर YP सिंह के। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। अपनेके स्वागत छै कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद जी। कैंसर एकटा जे नाम सुनते आदमी सब घबरा जाए छे, ई रोग अगर लागल जानकारी भेला के बाद एकटा हिम्मत हार जाए छे कि आब तो हमर आयु समाप्त भ गेल, आब किछे दिन के मेहमान छे। शुरुआत के समय में एहन किस्म के एकटा परिकल्पना आबै छे आदमी कि आब हम नहीं जीबे। वास्तव में ई परिकल्पना एनाय कतेक जाय छे अखुनका 21वीं शताब्दी में जखन मेडिसिन बहुत आगा बढ़ जाए छे। धन्यवाद। कैंसर ई 2-4 शताब्दी पहले के बात चाहिए, जे कैंसर लगला के बाद में कोनो उपचार नहीं होइ छै, लेकिन अखन आके कैंसर पूर्ण रूपे न ठीक कयल जा सकै छै। तो सते जे है समय पर ओकर डायग्नोसिस हो गला पर प्रारंभिक रूप में अगर डायग्नोसिस भ जाए तो कैंसर के जे है ठीक कयल जा सकै छै। जेना अपने तो ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट छे, शुरुआत में कैंसर के जे कैंसर जे छै ई रोग केना बुझते कि कैंसर लगल छे, एकटा प्रारंभिक कोनो लक्षण सब एकर होय छे, तै में कनी कहल जाय छे। ई अब सब की देह के होय छे, कैंसर जहाँ कहीं भी भ सकै छे, अब शरीर के कोनो भाग में भी कैंसर भ सकै छे। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर ब्रेस्ट कैंसर स्तन कैंसर के लेल जाए तो स्तन कैंसर में अगर स्तन में कोनो किस्म के दर्द न हो वाला गांठ अगर दिखाई पड़ल तो कैंसर के एगो लक्षण लेल जा सकै छै। और भी लक्षण होइ छै, जेना कि ब्रेस्ट में दूध के बदला में अगर खून निकले लागल, कोनो ढंग से गांठ जो है बढ़े लागल, तब जो है ओकर लक्षण भ सकै छै। ई तो भेलै लक्षण देखाय वाला, मतलब कैंसर तो एहनो होइ छै ने जेकर लक्षण प्रारंभिक चरण में नहीं देखाल जाय छै, मतलब था नहीं पबै छै एहनो जेना कैंसर सब होइ छै जी। मतलब अधिकतर नेपाल में जे है अगर कैंसर देखल जाए तो कैंसर के प्रारंभिक में कोनो सिम्टम नहीं होइ छै, कोनो लक्षण नहीं भेल। मतलब कोनो अंग के कैंसर, कोनो अंग के कैंसर के अगर लक्षण नहीं है तो लोग देखाबे नहीं गेल। एकर उपाय की केना पता चलते, तो सर्टेन जांच सब होइ छै, टेस्ट हो अलग रेगुलर रूप में नियमित अगर शरीर के जांच कराएल जाए तो ओकर जे है बिना लक्षण के भी पता लगाएल जा सकै छै। जेना कि छाला के कैंसर और जो छै ब्लड कैंसर जे कहल जाय छै, तो ई सब केना का पता लगै छै, मतलब प्रारंभिक लक्षण तो अपने कहबे के लिए लक्षण नहीं होइ छै, दोसर चरण में किस दोसर देखा सकै छै। प्रारंभिक चरण में जे छै ओकरा अगर जांच कराएल जाए, जैसे कि ब्लड कैंसर भेल तो अगर ब्लड के टेस्ट कराएला पर लक्षण नहीं हो जाए लेकिन पता चल सके जी। तो आप रहले कि सिम्टम जाल तक नहीं देखल तक कोई जा के इलाज करे, सिर्फ एकटा जेना अपन कहली ब्रेस्ट कैंसर के एकटा कहली कि गांठ जे नहीं दुखाय छै तो वो एकटा लक्षण भ सके छै, भ सके नै। और कैंसर सब के की छै ओकर लक्षण, जेना अपने कहली कि दोस पहिल चरण में तो पता नहीं लग सके। हां, नहीं लग सके। आ दोसर चरण में की छै, जे दूटा ढंग के कैंसर जे है, कैंसर कोनो ठाम छै तो ओहि ठाम के सिम्टम होइ छै, जेना कि स्तन में कहली गांठ होबै छै, जैसे कि अगर लंग में भेल तो ओकरा सांस लेबे में दिक्कत भ गेल, जेना अन्न नली जे एकरा एसोफेगस कहै छै, ओमरा जे है खाना नीले में दिक्कत भ सकै छै। आंद्रा कैंसर, आंद्रा के कैंसर में अब पैखाना में दिक्कत भ सकै छै, मतलब कहियो डायरिया भेल, कहियो जे है अहाँ के कब्जियत भ गेल। इस प्रकार से जहाँ
ट्यूमर चाहिए, गांठ चाहिए, वही हिसाब से वही सिस्टम में वही ऑर्गन में जो है गांठ के चलते कुछ सिम्टम दिखा सके। दोसर बात, कहियो काल जो है कैंसर जो है अंतिम अवस्था में पहुँच गए तो बाद में एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में चल गए, तो वही ऑर्गन के मेटास्टेसिस कही छे, वही मेटास्टेसिस के चलते भी लक्षण दिखा सके। मतलब सरुआ रोग नहीं छे लेकिन सरुआ रोग देह में सैर सके, अपन देह भीतर, अपन देह भीतर सरुआ रोग तो कदापि नहीं छे। तो अब रहले कि लक्षण के बाद और फिर चर्चा करबे करब, कैंसर होय छे किया? अब सब कैंसर के एकटा कारण छे नहीं, से नहीं छे, फरक-फरक कारण सब जेना छे। और रोग जो होय छे ओहि टाइम कैंसर भी विभिन्न कारण से भ सके छे, लेकिन सेल के जे है अखन तक साइंस से पता लगो नहीं छे, साइंस के ना पता लगलो नहीं छे जे अपन सब के शरीर जे है पहले कोष से बनल, सेल से बनल, सेल के बाद टिश्यू बनल, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनलक, विभिन्न ऑर्गन मिलके सिस्टम बनलक। एमे जे है कैंसर में साइंस अखन तक यही बता रहल छे कि जे जीन होइ छे कोनो कारण से, जैसे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भेलै तब, चाहे ई धूम्रपान के चलते होइ तब, कोनो हिसाब से अगर जीन में खराबी भऽ गेल जैसे सेल बढ़ै छे, अनियंत्रित तरीका से अगर सेल बढ़े लागल तो ओकरा कैंसर कहै छे। ए लेल सब कैंसर में कोनो न कोनो रूप से जीन में खराबी होइ छे, बुझलिए कि नहीं। अब उ जीन में खराबी होय के कारण जो है बहुत 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 कारक तत्व जो है बहुत हो सकै छे। नेपाल के संदर्भ में कहल जाय तो नेपाल के संदर्भ में भी उहे लागू होइ छे, लेकिन जो है अब एठाम जो है विशेषता कारण जो है खान पान के चलते, जैसे कि अखुनते भी चर्चा चल रहा है सब्जी के लेल जो है लोग बहुत अखाद्य चीज भी मिलाल जा रहा है, पेस्टिसाइड कहूँ ना, कीटाणुनाशक जो है कीटनाशक दवा भी प्रयोग होइ छे, अधिकतर प्रयोग कैला के चलते जो है कैंसर भ सके छे। ओकरा बाद में धूम्रपान छे, धूम्रपान के चलते भी सेल में चेंज होइ छे, ओकरा बाद जो है कैंसर भ सके छे। पोल्यूशन छे, पोल्यूशन के चलते भी कैंसर भ सके छे। रेडिएशन होइ छे, अधिकतर जो है रेडिएशन के अगर एक्सपोजर भेल तो तैयो जो है कैंसर भ सके छे। दवा के चलते भी इन्फेक्शन ओ भ सके छे, इन्फेक्शन के चलते ई देखै छी बहुतो इन्फेक्शन एहन छै जेना कि वायरल इन्फेक्शन भेलै, ई पाठेघर के मुख्य कैंसर कहै छै, ओकरा जे है ओ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के चलते होइ छै, ओ एकटा इन्फेक्शन छै, इन्फेक्शन के चलते जे है कैंसर होइ छै। ई देखल गेल है जे 6 आदमी के कैंसर में एगो कारण जो है इन्फेक्शन के चलते, जैसे कि स्टोमक के कैंसर अमाशय जो होइ छै, अमाशय के कैंसर भी एच पाइलोरी इन्फेक्शन होइ छै, एकटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन छै, ओकरा चलते कैंसर होइ छै। ए लेल विभिन्न कारण छै। जेना कैंसर से पहले के एकटा स्टेज जे कहल जाए तो जना इहो सुनो आबै छै कि गैस्ट्रिक भेल तके बाद अल्सर भेल इहे बाद में कैंसर भए छै, तो एहन रूप सब मतलब हर एक किस्म के कैंसर लेकिन सेलुलर रूप में आंद्रा के में वही मात्रे देखल जाए छै, नहीं नहीं औरो में देखल जाए छै। उ जे है अब कहली नहीं, अब जीन के खराबी अखन त इहो चलन आ गेल छै जे जीन के टेस्ट कैल तो पते चल जाए छै जे शुरू भेल छै कि नहीं। उहो टेस्ट होइ छै नेपाल में नहीं चाहिए लेकिन ये ठाम से भेज के कराएल जा सके, एक्सपेंसिव होइ छै, उहो तरीका छै। एकरा बाद और जेना ई आंद्रा के कैंसर कहली, ओ में जे की छै जे अगर पोली भेल मतलब कनिका मांस बढ़ गेल जे कैंसर नहीं है, लेकिन उ पोली के अगर जांच कैल जाए तो उ सर्टेन अवधि 10-12 साल में उ कैंसर भ जाए। ए लेल अगर पोलिप पता चल गेल, मांस बढ़ल है तो ऊ पता चल गेल तो ओकरा कैंसर होय के संभावना जे है बहुत हो है से। अब एकटा और बात, जेना कि कैंसर तो शरीर के विभिन्न अंग में लगे छै ने, लेकिन एकटा कोनो पर्टिकुलर टेस्ट होते ने कि मतलब ब्लड टेस्ट करा लेबे तो हमरा शरीर में कोनो कैंसर लागल छै तो हमरा पता चल जेतै, तो तेहन कोनो प्रविधि छै या पर्टिकुलर जेना कि अपने कहली ब्रेस्ट कैंसर भ सकैय और जे कैंसर भ सकैय ने अंत्र के कैंसर भ सकैय, तो मतलब हर एक के अलग अलग टेस्ट छै
कि ब्लड के टेस्ट मात्र करेला से पता चल सके कि साइंस एहू में प्रगति कयने छै जे अब एकेटा टेस्ट से सब कैंसर पता चलते से बात नहीं छै नहीं छै लेकिन अखन तक के पहले पहले सिम्टम्स तो देखबे नै करै छै देखबे नै करै छै पहले हमरा पता चल जाय हां तो आइ के लेल तो कोनो एकटा पर्टिकुलर टेस्ट हुए जे सब में मान्य भ जाय हां ओहन उपाय हो जाय तो शायद एकर समस्या के समाधान भ जाय तेहन नै छै लोग कोशिश कर रहल छै साइंटिस्ट सब जे है अखन तक ब्लड टेस्ट के उहे कहली जे जीन तो बहुतो ढंग के जीन होय छै ओकरा मैपिंग क के कहीं कोनो ठाम जगह में अगर खराबी छै तो उ ब्लड टेस्ट क के ओकरा शंका कैल जा सकै छै सेहन प्रविधि डेवलप भ गेल छै लेकिन उहे न कहली अब एकेटा सब कैंसर करे के लेल अब जेनेटिक एनालिसिस सब जीन के एनालिसिस करे के होतै ए लेल जे है उ बहुत महंगा पड़ै छै नेपाल में सबसे बेसी अधिकतर कौन किस्म के कैंसर होय छै मतलब अधिक बीमार कौन कैंसर देखा जाय छै अच्छा ई की छै जे नेपाल में अब एग्जैक्टली ये कैंसर छै से कहना मुश्किल छै लेकिन ई सेंट्रल लेवल के अस्पताल सब हॉस्पिटल सब छै ओकरा तथ्यांक के हिसाब से नेपाल में सबसे बेसी लंग कैंसर ओकरा बाद सीधे रिलेटेड छै आके धूमपान जे अपने कहबे हां धूमपान रिलेटेड और प्रदूषण भ सके हां प्रदूषण भ सके छै सबसे बेसी दुनु महिला पुरुष के हिसाब से कहल जाय तो सबसे बेसी जे है लंग कैंसर छै जी मतलब आई पर ध्यान देल जाय हां तो निराकरण कयल जा सके कयल जा सके छै जी दोसर नंबर में अगर महिला के देखल जाय त वे कहली जे पाठे करके मुंह के कैंसर सर्वाइकल कैंसर जेकरा कहै छै लेकिन अखन जे है एक दू बरिस में ब्रेस्ट कैंसर स्तन कैंसर जे है नंबर बढ़ते जा रहा है लगभग लगभग अब जे है दोनों कैंसर जे है बराबर के रूप में छै अब एक दू साल में शायद ब्रेस्ट कैंसर नंबर वन कैंसर महिला में बढ़ जेतै जेना अपने स्तन कैंसर के बात करी ब्रेस्ट कैंसर जे जेना और के लक्षण त अपने कहली कि कारण ई छै कारण सब जेना के धूमपान के बात भेलै वायु प्रदूषण के बात भेलै ने तो ये रहन सहन के खान पान के बात भले ब्रेस्ट कैंसर के मेन रीजन की छे मेन रीजन अब दू भाग में बांटल जा सके छे रीजन के जेना कि कोनो चीज कारक तत्व जे है के महिला के बस में आ कोनो चीज एहन फैक्टर छे जे बस में नहीं अनकंट्रोलेबल का जेना कि पहला महीना बारी जे है बहुत कम उम्र में भेल अखन तक देखल गेल है जे महीनावारी जे है कम उम्र में भेल आ जल्दी बंद हो चाहे ज्यादा समय तक अगर महीनावारी अगर होइत रहलक तो ओहि महिला के जे है कैंसर होय के चांस जे कि कंट्रोल नहीं कयल जा सकै छै दोसर फैक्टर अच्छा, अब मतलब जैसे कि महीनावारी मतलब लंबा समय तक भेल अर्ली एज में शुरू भेलै आ लंबा समय तक रहलै जैसे कि 50 वर्ष तक में बंद भ जाय छै जी अगर 55 वर्ष तक भेल त उ लंबा समय भेल हार्मोनल एक्सपोजर ओकर बहुत लंबा समय तक एकटा कारण उहो भ सकै एकटा उ कारण भ सकै जी दोसर अब महिला जाति में बेसी होइ छै पुरुषो में ब्रेस्ट कैंसर होइ छै लेकिन 100 में एके पुरुष में होइ छै जी तो महिला जे है उहो हाई रिस्क फैक्टर दोसर बात अगर कोनो जगह छै जे जगह में ब्रेस्ट कैंसर बेसी जैसे कि नेपाल में कहू दू ओरिजिन के लोग छै एकटा टिबेटो आर्यन कहै छै आ दोसर जे है इंडो आर्यन आ दोसर जे छै टिबेटो मंगोलियन हां आर्य कहल जाय छै आर्यन में जे है बेसी देखल अच्छा तो उ एगो कहू ना ओरिजिन के हिसाब से भी एहन छै दोसर जे है जेकरा कंट्रोल नहीं कयल जा सके छै उमेर मतलब ब्रेस्ट कैंसर मंगोलियन से बेसी आर्यन में बेसी दे है अब जे है दोसर कारण अब जे है एज एज जेना बढ़त गेल त ब्रेस्ट कैंसर के भी बढ़ते जाय छै फिर जे है अब उहो कंट्रोल कयल न जा सके नेचुरल प्रोसेस छै अब केकरो फैमिली हिस्ट्री जेना कि वंशानुगत मुख्य कारण से जेना हाँ, अब लगभग 5-10% में होइ छै लेकिन तै जेकरा होइ छै तऽ ओकरा तऽ 100% भ गेलै तऽ वंशानुगत गुण भी ब्रेस्ट कैंसर में देखल गेल
आउट कैंसर में सेहो छै ने जेना कि वंशानुगत जेना अपने जीन के बात करबे के लिए नहीं छै जी त सब कैंसर में नहीं छै जेना कि ओवरी के कैंसर भेल ई कोलोरेक्टल कैंसर भेल आ ओकरा बाद में ब्रेस्ट कैंसर भेल ई में जे है वंशानुगत जे है बेसिक कारक बेसिक कारक तत्व मतलब केकरो घर पर भैल होते कहियो भाई जेना कि स्तन कैंसर जे है अगर कोनो के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहै छै जेना कि मदर की भऽ गेल ओकरा बाद में बहन के भऽ गेल तब जो है वही महिला के जो है ब्रेस्ट कैंसर होए के चांस रिस्क जो है बेसिक ये वंशानुगत ब्रेस्ट कैंसर। दोसर फैक्टर से है जेना कहली जो कॉमन जैसे कि अहाँ के जेकरा की कंट्रोल कर जा सके जैसे कि फैटी जो है बेसी तेला चीज खाए वाला आदमी जो है फैट खाए वाला जे मोटापन बेसी बढ़ गेल जे एक्सरसाइज कम कैलक ओकरा जो है ब्रेस्ट कैंसर होए के चांस जो है बेसी छै। अब जो है औरो फैक्टर छै जेना कि स्मोकिंग कहली अल्कोहल कहली लेकिन जो है ई रिस्क फैक्टर जो है ब्रेस्ट कैंसर होए में बेसी मान तो अखन ब्रेक लड़ रहा तो दर्शक अखन ब्रेक ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जा रहा ब्रेक के बाद स्वागत करी छे अपन विशेष में आ स्टूडियो में छे डॉक्टर वाई पी सिंह कैंसर सर्जन छे आई हुनका से बात कर रहल छी जखन कैंसर के बात अबै छै त एक किस्म के जे बीमार रहै छै हुनका सूर्य में डर पिस जाय छै कि आब हम नहीं जीबै तेहन किसी के एकटा डर पिस जाय छै। वास्तव में बात कयल जाय त जेना डॉक्टर साहब कहि रहल छलै कि कैंसर के इलाज संभव छै आब पहिलका जमाना नहि रहलै जमाना परिवर्तन भऽ गेलै आब के समय में कैंसर में डराय के बात नहीं छै आओर बात हुनका से कह रहल छी। डॉक्टर साहब फिर स्वागत छै कार्यक्रम में। कैंसर लगले तो आप डराय के बात नहीं लेकिन रहले कि शुरुआत के चरण में पता चल जाए ना नियमित चेक जांच होना ही सेहो आवश्यक है कौन स्टेज में गेला के बाद अगर इलाज कराल जाए छे तो कैंसर की निदान क्या जा सके। ठीक जी जे कैंसर अगर शुरू के अवस्था में पहचान भ गेल डायग्नोसिस भ गेल तो ओकरा क्योर कयल जा सकै छै ओकरा हिसाब से अब शुरू के अवस्था में जेना प्रारंभिक अवस्था में ओकर सिम्टम नहीं होइ छै लेकिन बिना सिम्टम के भी अगर सर्टेन जांच कराएल जाए हाई रिस्क फैक्टर आदमी सब छै तो ओकरा जे है कैंसर शुरू के हिसाब से जेना एक टा बात के ले कि वंशानुगत जे अपने कहलिए कि केकरो घर परिवार में केकरो कहियो कैंसर भेल होतै तो ओहन अवस्था में घर परिवार के जे और सदस्य छै हुनका सबके नियमित इलाज करावित रहबे एक टा तो ओ बात भेलै जैसे ईटा जांच करावे करावक चाहिए जेना और व्यक्ति जेकरा घर परिवार में कोई कैंसर नहीं भेल होय तेहन अवस्था में जेना अपने कहबे के लिए फर्स्ट स्टेज में तो थाहे नहीं होय छै तो आब एक टा इहो छै ने आब जाले तक रोग नहीं लागल ताले तक अस्पताल जाय के तो बाते नहीं छै ओ एक टा जागरूकता कमी तो छै नहीं तो एहन अवस्था में की कैल जा सके। अच्छा हम देख रहल छी स्पेशली अब एहि क्षेत्र में जे है अहाँ के अगर सिम्टम नहीं भेल कोनो हिसाब से कोनो बीमारी भेल अगर सिम्टम नहीं छै तो देखावे के बात नहीं भेल स्पेशली अब कैंसर के लेकिन वो सोच के परिवर्तन करे के होते अब केना परिवर्तन करे के होते जे समय समय से इलाज करावे के होते अभी जो है इंश्योरेंस के सिस्टम चल रहा है अगर शुरू में पता चल गया कैंसर विभिन्न ऑप्शन है क्योर भी कल जा सकते थे ये चिंता से मुक्त भल जा सके अगर वो एडवांस स्टेज में आ गए मेटास्टेसिस दूसर जगह चल गए तो वो जो है एक्सपेंसिव भी भ गए ओकरा बाद में लाख प्रयत्न कला के बाद में उते सम इलाज है सम हाँ नहीं है ये ले सबसे बढ़िया पहले ही रेगुलर रूप में जेना हेल्थ चेक लोग करवे छै एकरो लेल जे है ये पैकेज सिस्टम है जैसे कि एग्जाम्पल कहली अहाँ के ब्रेस्ट कैंसर के जे एकटा मैमोग्राम होइ छै एक्सरे अगर 40 बरस उम्र पहुँच गेल तो ओकरा बाद में जे है मैमोग्राम कैला से अगर गांठ स्तन में गांठ छै तो पता चल जाइ छै जेकि
अब गांठ बड़का भ गेल तो लोग वैसे ही भी पता चल रहा, लेकिन जो है जब गांठ पता चले से पहले ही मैमोग्राम कैला से मैमोग्राम में पता चल जाए। अब ये तो एक भले कि अब स्तन कैंसर के तो था भले छे, लेकिन और के जना ब्लड कैंसर के बात भले एक तो बात ये भले कि जागरूकता नहीं छे कि नियमित जा के तो चेक जांच करा और कुछ नहीं हो भेल छे तो वही चेक जांच करबे ढेला के बाद ओ में किस दिन देख ले छे ते के बाद जाय छे एक तो छै ना अपना सब ने तो हुनका सब के की कहो मतलब नियमित चेक जांच करावे फिर कैंसर के फिर सब चीज के अलग अलग जांच हो पड़ले। लेकिन जे है हम एक रेगुलर चेकअप हेल्थ चेकअप जरूरी छे अखन जे है अगर रेगुलर हेल्थ चेकअप करायल जाए तो कोनो भी कैंसर छै कैंसर तो पता चल जेतै। अखन त कांसेप्ट आ की आ रहल छै जे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एगो सरुआ रोग भेले आ जे रोग सरे वाला नै छै आ कैंसर ओहु में एकटा होइ छै जैसे कि हाइपरटेंशन ब्लड शुगर ब्लड शुगर डायबिटीज भी भ गेल हाइपरटेंशन दम की बीमारी कैंसर मानसिक रोग ई सब सरुआ रोग नै। एकरा लेल जे है पैकेज के हिसाब से अगर सर्टेन जांच नियमित रूप से करायल जाए तो जे पता चल गेला के बाद में ओकर इलाज संभव से ठीक भी कयल जा सके जी। अब फर्स्ट स्टेज में पता लगे के बात भले कि तो कनी अगर नियमित चेक जांच करायल जाए तो पता चल अब रहले सेकंड स्टेज में जिनका पता अब जांच करब गेले नहीं पता चल गेले अब कैंसर है पहले अगता जाय छे ने अब की करते हो सब मतलब ओकरो जो है सेकंड स्टेज इवन थर्ड स्टेज के भी जगह के हिसाब से जेना खाली कौन जगह में कैंसर छै कते दूसरा जगह नहीं फैलल छै तो ओकरा जो है अब विभिन्न मोडालिटी होइ छै ट्रीटमेंट के उपचार पद्धति है ओकरा कैला के बाद में जो है ठीक कर जा सकै छै। अब रहले कैंसर के इलाज नेपाल में जना अखन त जनकपुर में खुल गेल छै तो कैंसर के इलाज हरेक किस्म के कैंसर के इलाज नेपाल में संभव छै छै नेपाल में संभव छै हम कहली प्रगति भेल छै। अब ओहू में जनकपुर में भी कैंसर सेंटर अब 3-4 महीना 5-6 महीना से चल रहल छै। अब एहिमें कैंसर के उपचार में विभिन्न पद्धति होइ छै जेना कि कहली शल्यक्रिया कोनो जगह में कैंसर भेलै ओकरा शल्यक्रिया क के निकाल देला से भी कैंसर ठीक भ जाइ छै। दोसर होइ छै रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी अगर विकिरण के प्रयोग से अगर कैंसर सेल के मारे के हिसाब किताब हो जाए तो वो एकटा इम्पोर्टेंट जो है प्रविधि पद्धति भेले अलग एकटा त भेले कि उ अंग के मतलब काट देल जाए जत कैंसर लाग छै उ हटा देल जाए ने एकटा भेले रेडियोथेरेपी अपने रेडियोथेरेपी क के ओकरा जत कैंसर छै ओकरा कैंसर सेल के जे है मारे वाला डिस्ट्रॉय करे वाला पद्धति पद्धति छै जी। दोसर छै अगर शरीर में कतबो छै कैंसर सेल छै ओकरा लेल केमोथेरेपी जे बहुत चर्चित छै केमोथेरेपी। अब केमोथेरेपी कैला से अगर शरीर में कतबो कैंसर सेल छै तो ओकरा जाके आ ओकरो साइड इफेक्ट होइ छै लेकिन ओहो पद्धति इम्पोर्टेंट पद्धति छै। दोसर अब स्तन कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी छै औरो पद्धति सब छै जेकरा चलते कैंसर में और कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर कहे के लेल जे है ई तीनों पद्धति इम्पोर्टेंट पद्धति छै जैसे कि सर्जरी होना जरूरी छै रेडियोथेरेपी होना जरूरी छै ओकरा बाद में कीमोथेरेपी भी होना जरूरी मतलब एकैटा रोग के इलाज पद्धति फरक जी। में रहले प्रभावकारिता के बात कौन इलाज पद्धति में बेसी बीमार के तकलीफों नहीं हुए नहीं कोनो हानि नुकसानी नहीं हुए आ इलाज भ जाए कौन पद्धति छै नहीं अब स्टेज देख के आ कैंसर के टाइप देख के अवस्था के देख के कौन सुटेबल होते से कहियो काल एकेटा पद्धति जना छोट कैंसर भेलै शुरू के अवस्था के भेलै ओकरा ओही जगह से निकाल दिए दोसर पद्धति के जरूरी नहीं पड़े छै। कोनो में छै रेडियोथेरेपी सेंसिटिव छै रेडियोथेरेपी द दिए ओ ठीक भ जाए कोनो में ई तीनों कॉम्बिनेशन उपाय ऑपरेशन कैला के बाद में रेडियोथेरेपी भी देवे के होते ओकरा बाद में ओ की कहै छै कीमोथेरेपी भी देवे के होइ छै। अब कैंसर रोग लागल व्यक्ति फिर इलाज भेला के बाद इलाज करोला के बाद फिर पहिल के अवस्था में आबे के चांसेस कते रहै छै रहै छै
ए लेल कैंसर के इलाज में की जोड़ ठीक कैल जा सके छे, लेकिन समय समय से फिर फॉलोअप भी जरूरी छे। अगर फिर रिकरेंस वही जगह भी आ सके छे, दूसरो जगह भी आ सके छे, संभावना रहे छे। और रोग में नहीं भेल जेना कि निमोनिया भेल, ओकरा बाद एक बार जे ट्रीटमेंट कर दिए फिर निमोनिया होके चांस नहीं रहला, लेकिन कैंसर में होय के चांस रहे छे, ए लेल फॉलोअप होना जरूरी छे नियमित रूप से। कैंसर अगर एक बार जी ट्रीटमेंट होके ठीक भ गेले तैयो होय के चांस रहला से समय समय से जांच कराना जरूरी छे। अब नेपाल में जखन इलाज के बात करी कैंसर के, तो एक ठाम जाकर अगर कोनो भी स्टेज के इलाज से करा के तो सब संभव छे नेपाल में? नेपाल में संभव छे बहुत। तो अब मतलब एक होइ छै ना, पहिले चरण में ले तब ठीक कर देबे, दोसर चरण में तो ठीक कर देबे, लेकिन अंतिम चरण के या अंतिम स्टेज के हम एज इलाज नहीं भ सके तेहन नहीं सब कुछ छै संभव छै। अब हिसाब किताब की ते अब उद्देश्य फरक फरक होइ छै। दूटा कैंसर के उपचार में दूटा पद्धति दूटा प्रिंसिपल सिद्धांत छै। एकटा क्योर करे के मतलब कैंसर सेले शरीर में नहीं हुए से। एकटा जे है अगर कैंसर के ठीक नहीं हो वाला छै, असंभव छै, जेना कि संसार में कतबो भी जोन प्रविधि अत्याधुनिक होला के चलते भी ठीक नहीं कर जा सके छै, ओकरा जे है जब तक जिंदा रहतै तब तक जे है पैलेटिव केयर कहै छै। सिम्टोमैटिक ओकर क्वालिटी ऑफ लाइफ जे है मेंटेन करे के लेल पैलेटिव केयर कहल जा सके। उ संसार में और जगह भी होइ छै जी, जेना आधुनिक प्रविधि के बात भ सकै ने, तो ओ जे सब अवेलेबल छै नेपाल में? हाँ, नेपाल में छै। अब की सरकारी लेवल में भ सकै छै, कोनो प्राइवेट लेवल में भ सकै छै, लेकिन अवेलेबल छै जी। कनी सरकार के बात करै छी, जेना ई जे जटिल रोग सब छै ने, ओ जटिल रोग के किछ राहत पहुँचे के लिए सुविधा सबके बात सब सेहो करै छै, फिर सरकार पाछा सेहो चलि जाइ छै, तऽ अपने तऽ एहिमे बेसी चाँखो रखै छियै सरकार के काज सब पर, तऽ एहिमे की कहबै अहाँ, मतलब जटिल रोग में केहन किस्म के बीमार? दूटा सोचै छियै ई जुन अखन तऽ जटिल रोग इंक्लूडिंग कैंसर जे छै ओकरा लेल सरकार जे है डायग्नोसिस होला पर 1,00,000 रुपया दै छै। हमर कथना अनुसार ओ ठीक नहीं छे, 1,00,000 से नहीं ओ पूरा कंप्लीट भी करा सके छे। कंप्लीट नहीं कराऊ तो 1,00,000 रुपया लेबू के लेल लोग कोशिश कर लग ओ के लिए बहुत मेहनत हाँ, मेहनत करे के पर ओकरा बाद में और नहीं पहुँचल तो जे घर जैसा जो है बेच के से ट्रीटमेंट करा लग। हमरा हिसाब से गवर्नमेंट केहन व्यवस्था कैल जाबे के चाही, गवर्नमेंट के बहुत एहन उदाहरण सब छै कि अगर केकरो घर में अगर कैंसर लग गेलै या किडनी फेल के बात भ सकै, अगर एहन अवस्था से एला पर तो ओकरा घरे घराड़ी बेचब पड़त आयल छै ने, ए लेल जे है गवर्नमेंट के तरफ से जगह जगह पर जैसे कि अखन त 7 प्रदेश छै, प्रत्येक प्रदेश में अगर गवर्नमेंट के हिसाब से अगर एक एक टा कैंसर सेंटर भ जतै सुविधा संपन्न तभी जाकर ये करे संभव छै। वो प्राइवेट के खोल के ब्लॉक गवर्नमेंट निशुल्क इलाज क दी हां क दिए त सबसे बढ़िया उहे भ सके छै, न कि एकरा 1,00,000 दे के ओकरा जे है उ ठीक नहीं भ सके जी। अब अंत अंदेशियो चल छै हां, अगर सुझाव दिए पड़े ई त भेले कैंसर रोग लगले त के बाद फिर इलाज कराब जेबे आ फिर खर्चिला फिर ओते होबे करै छै, कैंसर लाग ही नहीं दिए तो के लेल सामान्यतः अहाँ सब अध्ययन केने होबै की करे के चाही? अच्छा, हम तीनटा बात कहै छी। हाँ, तीनटा बात कहै छी जे कि ई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जे कहली है जे इंक्लूडिंग कैंसर, एकरा रोकथाम करनाइ सबसे जरूरी आ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जे एक्सपेंसिव आ ओ मिजरेबल लाइफ होते उसे हो ही न देवे के उपाय भी कैल जा सकै छै। हम तीनटा बात कहै छी, एकटा सी ए पी कैप होइ छै, सी मतलब रेगुलर रूप में हेल्थ चेकअप होना जरूरी। अब सर्टेन कैंसर के लेल जांच होइ छै पैकेज वाला जांच होइ छै, ओ समय से अगर केकरो हाई रिस्क जेना वंशानुगत केकरो छै तो ओकरा जे है
और विशेष रूप से कौन कौन कैंसर होए के चांस है ओकरा नियमित रूप से जांच कराबे के होते, चेकअप जे है रेगुलर चेकअप जे सी भेल, ए मीन्स अवॉइडेंस जेकरा छोड़े के पड़ते, कोनो बानी बिहोरा एहन छै जेकरा से कैंसर होए के चांस बेसी छै, जेना कि धूम्रपान भेल, लोग एने तराई में जे है पान पान परा गुटखा जे खाए वाला छै ओकरा छोड़े के होते, यही एरिया में जो है बेसी ओरल कैंसर छै, मुँह के कैंसर जो है बेसी छै, यही कारण छै से देखल गेले ने, हां देखल गेले, एकटा महत्वपूर्ण बात छै, महत्वपूर्ण ओकरा बाद में जे और की खाय छै, मतलब गुटखा खाय छै पान खाय छै नै, तो इनका सब तो पता रहै छै ने, हां जे खैनी खाय छै, खैनी खाय छै ई सबसे जे पता रहै छै कैंसर ऐसे भ सकै छै, तो ओकरा छोड़े के होते, बुझलिए कि खान पान में जो है अखुनता लोग जो है ज्यादा तेला चीज खा रहा है, स्पेशली जे यंग जे आदमी हो फास्ट फूड बेसी खाए, वो फ्राइड कैल चीज ओकरा समय कम है, कंपटीशन के जमाना जे है फट गेल और जे है तेला चीज खाला पर एनर्जी जल्दी से आ गई, फिर काम करे कुछ में कर चल गए, वो जो खाना पीना के चेंज करे के होते, अवॉइडेंस भले कोनो चीज के प्रमोशन करे के होते, जैसे अब कहली इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के जना कि सर्वाइकल कैंसर कहली, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बदले में एक वैक्सीन छै, वैक्सीन नेपालों में अवेलेबल छै, वो वैक्सीन लेला से सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सके, तो वो एक प्रिवेंटिव मेजर छै। दोसर पी कहली, पी मतलब प्रमोशन, कोनो चीज के प्रमोशन करे के होते, जैसे नहीं कि अहाँ के खान पान पर फल फूल ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाला पर अहाँ के कैंसर होए के संभावना कम हो जाए छे, प्रोटेक्टिव छे। दोसर प्रमोशन की करे के होते, एक्सरसाइज, जेना ओबेसिटी एगो कारण छे कैंसर के, अगर रेगुलर रूप में फिजिकल एक्सरसाइज करो तो कैंसर जो है रोकथाम कर जा सकते, इल कहलिए जे सी ए पी रेगुलर चेकअप, हेल्थ चेकअप इंक्लूडिंग ब्रेस स्क्रीनिंग पैकेज होइ छे, स्क्रीनिंग मतलब फलाना कैंसर के लिए अगर जांच है तो ओकरा स्क्रीनिंग कहलक, सिम्टम नहीं है लेकिन जांच कैल ए मीन्स अवॉइडेंस, सर्टेन चीज है ओकरा जे है छोड़े के, जैसे कि अगर कोनो इन्फेक्शन भेल ओकर वैक्सीन लियू चाहे ट्रीटमेंट कराओ, ओकरा बाद में तेला चीज कम करू, ओकरा बाद में स्मोकिंग भेल गुटखा कहली खैनी खा के ई सब बंद करे के होते, ओकरा बाद में जो है लास्ट में सर्टेन चीज जो है प्रमोशन के बाद, जेना कि ग्रीन वेजिटेबल्स भेल फ्रूट्स भेल लोग कम खाइ छै, अखुनता जे हम देख रहल छी नेपाल में एगो स्टडी भेल छै, 100 आदमी में एक ही आदमी जे है WHO जे है विश्व स्वास्थ्य संघ के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक ही आदमी नेपाल में जो है वो नियमित रूप से ग्रीन वेजिटेबल्स आ फल फूल खाइ छै, एहि पर ध्यान ध्यान देबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ओ छलथि डॉक्टर YP सिंह, कैंसर सर्जन, आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे कैंसर रोग जे केना कर निदान कैल जा सकैए, कैंसर रोग लगला पर एक बेर चिंता नहि करब छै, एकर इलाज छै आधुनिक युग में आब एकर इलाज सेहो संभव छै, केना कर इलाज कैल जा सकैए, एकर निदान सब की सब भ सकैए, कैंसर रोग लागऽ नहि दी एकर लेल जीवन शैली केहन अपनाबक चाही, एहि सब विषय पर बातचीत करै छी। व्यस्त नमस्कार।